हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 13 फरवरी। तो 13 फरवरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 12 फरवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है ना वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट था कि किस बैंक ने इनोवेशन इन डाटा साइंस के लिए एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता है। उस बैंक का नाम है येस बैंक। हाल ही में येस बैंक ने एजिस ग्राहम इनोवेशन इन डाटा साइंस के लिए एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका बी, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग काफी सुनने ने सही दिया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 13 फरवरी के करंट अफेयर। आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल इन साइंस दिवस कब मनाया गया है। तो जो इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल इन साइंस दिवस है ना, ये हाल ही में 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया ये दिन। और ये जो दिन है ना, ये हर साल 11 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर 11 फरवरी 2019 में ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो थीम भी तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसका। तो इसका थीम है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। थीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ, थीम आपके एग्जाम से पूछा भी जाता है। अब थीम तो बता दिया, बट ये मैंने आपको नहीं बताया कि ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है इस दिवस के मौके पर। समझ आ गया आपको उद्देश्य। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये दिन पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था और किसके द्वारा इस दिन को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो ये दिन पहली बार 2016 में सेलिब्रेट किया गया था, और ये घोषणा की थी हमारे संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने, यूएन के द्वारा ये घोषणा की गई थी, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 11 फरवरी को आप लोगों को पता लगेगा कि इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल इन साइंस दिवस मनाया गया है, बट फरवरी के मंथ में और कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी पता होना चाहिए। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, और उसके बाद याद रखना है 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस सेलिब्रेट किया गया, और 7 फरवरी याद रखना, तो 7 फरवरी को उज्ज्वला उत्सव मनाया गया, और 8 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे सेलिब्रेट किया गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। आज का अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किसने अपनी जीवनी, इनकी जीवनी का नाम है फेथ अ जर्नी फॉर ऑल के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो उनका नाम है जिमी कार्टन। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई, ये है जिमी कार्टन, जिन्होंने हाल ही में अपनी जीवनी जिसका नाम है फेथ अ जर्नी फॉर ऑल के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। जिमी कार्टन कौन है ये पता होना चाहिए। जिमी कार्टन ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 39th प्रेसिडेंट थे ये अमेरिका के, जिन्हें हाल ही में फेथ अ जर्नी फॉर ऑल इनकी बायोग्राफी, इसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। और हाल ही में देखिए 2019 के जो ग्रैमी अवार्ड विनर्स है ना, उनकी घोषणा की गई है, जिसमें से जिमी कार्टन को भी अवार्ड मिला है। और जिमी कार्टन को दूसरी बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, पहली बार भी इन्हें 2016 में ग्रैमी अवार्ड जीता था इन्होंने। ऐसी बात नहीं है कि जो जिमी कार्टन है ये ऐसे इकलौते अमेरिका के प्रेसिडेंट है जिन्होंने ये ग्रैमी अवार्ड जीता है, कई सारे प्रेसिडेंट्स ने ग्रैमी अवार्ड जीता है। जैसे कि पहले थे बिल क्लिंटन, जिन्होंने 2005 में ग्रैमी अवार्ड जीता था, और दूसरे थे बराक ओबामा, बराक ओबामा ने 2008 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। और आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि ये जो 61st ग्रैमी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया ना, ये कहाँ पर बांटे गए हैं। तो ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये कैलिफोर्निया के अंदर लॉस एंजलिस में वितरित किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन, अमेरिका की करेंसी US डॉलर, और अमेरिका के प्रेजिडेंट में जो प्रेजिडेंट होगा उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 3 दिवसीय लंबा कृषि कुंभ आयोजित किया गया है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। तो बिहार में 3 दिवसीय लंबा कृषि कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस मेले का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो बिहार के जो गवर्नर है जिनका नाम है लालजी टंडन, और हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है ना राधा मोहन सिंह, इन दो लोगों ने मिलकर इस मेले का उद्घाटन किया है। और ये जो मेला है ये बिहार के अंदर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो बिहार के अंदर मोतिहारी में इस मेले को ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए इस मेले में अलग अलग राज्यों से लगभग 15,000 किसानों ने और 200 से अधिक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है ना उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और इस कृषि कुंभ मेले को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हमारे जो किसान है ना उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा सके कि किस तरह जो आधुनिक तकनीकें हैं उन्हें यूज करके वो अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक फसल की उपज कर सकते हैं। तो ये सब बातें उनको बताने के लिए इसे मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कृषि कुंभ मेला। ठीक है, बिहार के बारे में बताती हूँ आपको, क्योंकि बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया ना। यहाँ पर बिहार, बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार की चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है लालजी टंडन, लोकसभा सीट है 40, राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 243, फोक डांस है जाटा जटिन, नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मथुरा में मेगा फूड पार्क की आधारशिला रखी है? तो उनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। मैंने कल भी आप लोग को पढ़ाया था कि हरसिमरत कौर बादल जी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के भी पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। ये जो हिमाचल प्रदेश का मेगा फूड पार्क है वो कहाँ पर बनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ऊना जिले में इसका उद्घाटन किया गया। और जो हरसिमरत कौर बादल जी है इन्होंने हिमाचल प्रदेश का जो मेगा फूड पार्क था उसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था, और मथुरा में ये खुद जाके इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, मथुरा के मेगा फूड पार्क की आधारशिला। हरसिमरत कौर बादल जी कौन है? कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। दो क्वेश्चन थे ये अलग अलग, दोनों में डिफरेंस समझना है आपको। कई लोग कह रहे थे कि कल वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर मथुरा है, बट नहीं, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है हरसिमरत कौर बादल जी। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय क्लाउड वैधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो हिमालयन क्लाउड वैधशाला जो है इसे हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उत्तराखंड के अंदर कहाँ? तो उत्तराखंड के अंदर टिहरी जिले में इसे स्थापित किया गया। और देखिए ये जो हिमालय क्लाउड वैधशाला है इसकी स्थापना क्यों की गई है? तो हिमालय क्षेत्र में जितने भी बादल फटते हैं ना तो उसका पहले से पता लगाने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए इस वैधशाला को स्थापित किया गया। और ये जो वैधशाला है ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा इसे स्थापित किया गया। इनका मेन मकसद ही इसी चीज पे होगा कि जो बादलों की गतिविधि है ना उन पर निगरानी रखना। उत्तराखंड के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्या जी, लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, विधानसभा सीट है 70, फोक डांस है भारतनाट्यम, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने अरुणाचल प्रदेश का DD अरुण प्रभा चैनल लॉन्च किया? तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक DD अरुण प्रभा चैनल लॉन्च किया। कल भी मैंने आपको इसका हिंट दिया था, शायद आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो आप लोग को पता होगा। देखिए इसी के साथ साथ जो ये चैनल है ना ये अरुणाचल प्रदेश का दूसरा दूरदर्शन चैनल है। पहला दूरदर्शन चैनल कौन सा था? तो वो है DD पूर्वोत्तर। और इस चैनल को क्यों लॉन्च किया गया था, DD अरुण प्रभा चैनल को? तो जो अरुणाचल प्रदेश के निवासी हैं और जो दूसरे निवासी भी हैं दूसरे राज्यों के भी, उनको अरुणाचल प्रदेश की सुंदरता के बारे में बताने के लिए, उसकी संस्कृति के बारे में बताने के लिए इस चैनल को लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, गवर्नर है BD मिश्रा, लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा सीट है 60, फोक डांस है भारदोछाम, नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महेश आनंद का निधन हो गया और वो कौन थे? महेश आनंद जी एक अभिनेता थे, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दी ये है महेश आनंद जी। आप लोगों को पता ही होगा कि जो महेश आनंद जी हैं ये ना नेगेटिव रोल के लिए फेमस थे। इन्होंने कई सारी हिट हिट मूवी दी हैं जिसमें इन्होंने नेगेटिव किरदार प्ले किया है। इनका निधन कितनी एज में हुआ है? तो 57 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। कहाँ पर निधन हुआ है इनका? तो मुंबई में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इनकी जो फेमस फिल्में थी वो मैं आपको बताती हूँ, शायद आपको याद आ जाए। तो पहली इनकी फेमस फिल्म थी, बहुत ही ज्यादा जो कि फेमस थी, वो है कुरुक्षेत्र, दूसरी है शहंशाह, तीसरी है थानेदार और चौथी है कुली नंबर 1। कुली नंबर 1 भी फेमस है जिसमें गोविंदा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको महेश आनंद जी के बारे में नोट करनी थी।
आज का अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है? उस देश का नाम है नॉर्वे। हाल ही में हमारे भारत ने और नॉर्वे ने मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल शुरू की है। देखिए आप लोग को पता ही होगा कि समुद्री प्रदूषण कैसे, समुद्र जैसे हमारे वो कैसे पोल्यूटेड होते हैं, तो व्यापार के अधिक होने के कारण, समुद्री रास्तों से जो व्यापार होता है ना उसके अधिक होने के कारण ये प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। तो इसलिए उनसे निपटने के लिए हमारे भारत और नॉर्वे ने मिलकर इस पहल को शुरू किया है। नॉर्वे के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर है नॉर्वे, कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वियन क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है अर्ना सोलबर्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी नॉर्वे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चेन्नई में MRF चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई है? तो उनका नाम है जैमी चार्डविक। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई, ये है जैमी चार्डविक जो कि MRF खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई है। और ये जो चैंपियनशिप है ये चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। और इन्होंने फाइनल्स में किसे हराया? तो फाइनल्स में इन्होंने बेल्जियम की खिलाड़ी है जिनका नाम है मैक्स डेफोनी, उन्हें हराया है। ये कहाँ की है? जैमी चार्डविक, तो ये इंग्लैंड की है। ये एक मोटर रेसिंग ड्राइवर है जैमी चार्डविक। इन्होंने इस इवेंट में 5 में से 3 रेस जीतकर इस खिताब को अपने नाम किया है। MRF की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है मद्रास रूबर फैक्ट्री। मद्रास रूबर फैक्ट्री फुल फॉर्म याद रखनी है MRF की आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र आप लोग जानते हैं, इजिप्ट के नाम से फेमस है ना, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं ये जो आपको पिक्चर दे रही है। और इन्हें हाल ही में अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष चुना गया। इनका नाम भी क्या है? तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट का नाम है अब्देल फतेह अल सिसी। और इनसे पहले अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो उनका नाम है रवांडे के प्रेसिडेंट थे वो, जिनका नाम है पॉल कगामे। अफ्रीकी संघ ये क्या है? तो अफ्रीकी संघ अफ्रीका कंटिनेंट के 55 देशों का एक ग्रुप है जिसकी स्थापना 9 जुलाई 2002 में हुई थी। इजिप्ट के बारे में भी नोट कीजिए फिर, तो यहाँ पर इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है कैरो, इजिप्ट की करेंसी इजिप्टियन पाउंड, इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सिसी, प्राइम मिनिस्टर है मोस्तफा मेडबुले। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इजिप्ट के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय इतिहासकार ने इसराइल का प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है संजय सुब्रमण्यम। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है संजय सुब्रमण्यम जो कि बहुत ही फेमस भारतीय इतिहासकार है, उन्होंने इसराइल का प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार जीता है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो एशिया यूरोप और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के लोगों के बीच में सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए जो इन्होंने अपना योगदान दिया ना, इसलिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्हें इस अवार्ड के साथ साथ कैश प्राइज कितना दिया गया? तो $1 मिलियन का कैश प्राइज दिया गया इन्हें इस अवार्ड के साथ साथ। इसराइल यहाँ पर आया, तो इसराइल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर इसराइल, इसराइल की कैपिटल जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकल, प्रेजिडेंट है रुवेन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर है बेंजलिन नेतन्याहू। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा आपका कि बर्लिन फिल्म महोत्सव 2019 में किस मंत्रालय ने पार्टिसिपेट किया है? उस मंत्रालय का नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री का नाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने आपको बताया कि जितने भी आपको मिनिस्टर्स के नाम इंपॉर्टेंट याद रखने, एग्जाम से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री का नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर जी। और ये जो महोत्सव है बर्लिन फिल्म महोत्सव, ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? तो 7 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इस महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो बर्लिन में ऑर्गेनाइज किया गया। देखिये जो बर्लिन है ये जर्मनी की कैपिटल है, तो यहाँ पर है जर्मनी, जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेमन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जर्मनी के बारे में। सो फ्रेंड्स ये थे आपके 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में एक टेस्ट दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन है आपका किसको ICC विश्व कप 2019 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का सहायक कोच बनाया गया? उनका नाम बताना है, मुख्य कोच कौन बने हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के वो भी बताना है, ICC की फुल फॉर्म बतानी है, ICC के CEO का नाम बताना है जो कि प्रेजेंट में है, और जो बनेंगे जुलाई 2019 में उनका नाम भी बता दीजिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रही मेरे साथ। थैंक यू।